हेलो गाइस, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीबू के ब्लॉग में और मैं हूँ आप सबकी ज्योति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही मस्त और बिंदास होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आ गई हूँ एक बार फिर से मैं एक नए वीडियो हॉल के साथ, और आज का वीडियो होने वाला है कुर्ता सेट हॉल। जी हाँ, मैंने जो भी कुर्ते मंगवाए हैं वो सारे सेट में हैं, दुपट्टा और पैंट के साथ। वो सभी मैंने पैंट्स के साथ मंगवाए हैं, उसमें से कोई भी प्लाजो नहीं है, सारे ही पैंट। मुझे पर्सनली प्लाजो के कंपेयर में पैंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पैंट से आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लंबी दिखती है और वो एक अलग ही लुक देता है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लाजो फ़ैन नहीं हूँ, मैं हमेशा से ही पैंट फ़ैन हूँ, तो इसलिए मैंने सारे ही पैंट्स में मंगवाए हैं। तो ये हैं वो सारे प्रोडक्ट, तो मैं एक एक करके आपके साथ ये सारे ही प्रोडक्ट शेयर करूंगी और मैं सारे ही प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा उसको चेकआउट करना। तो अब चलिए फटाफट से चलते हैं वीडियो के। तो मेरा सबसे जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये ग्रीन कलर का कुर्ता सेट है। ये ऑलरेडी आपने मुझे पहने हुए देखा है, ये मैंने रक्षाबंधन का ब्लॉग किया बनाया था उसमें मैंने ये पहना है। मैंने अभी तक इसको एक बार ही पहना है और मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो मुझे लगा कि चलो इसके साथ मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मुझसे पूछा था एक दो लोगों ने कि ये कुर्ता आपने कहाँ से लिया है, तो इस वजह से उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये बहुत प्यारा सा कुर्ता सेट है। यहाँ पर इसके गोटा पट्टी काम की गई है, यहाँ पर गले पर, और इसी तरह से हाथ पे ना कोई गोटापत्ती नहीं है, लेकिन ये पाइपिंग दी हुई है। ये बहुत ही प्यारा सा 3/4 स्लिप का है और ये 100% कॉटन है, बहुत ही कंफर्टेबल कॉटन है। और यहाँ पे जो सितारा है उसका काम किया हुआ है, जगह जगह पे बूटे टाइप से वो चिपकाए हुए हैं। पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आता है, तो आप मेरा वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, रक्षाबंधन ब्लॉग, उसमें मैंने ये कुर्ती को स्टाइल किया है। और इसके साथ मुझे मिला हुआ है ये पैजामा, ये भी काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा लेंथ है इसका। ऐसा नहीं है कि आपको बैठने उठने में कुछ अनकंफर्टेबल सा फील होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छा इसका चौड़ाई है, तो आपको इजी होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल लगता है। और नीचे ऐसे आपको छोटे कट मिल जाते हैं, इससे बहुत एक अलग लुक देता है। और ये दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, बहुत कॉटन है, और सारे ही दुपट्टे ना अच्छे लेंथ के साथ हैं, ऐसे नहीं कि बहुत छोटे से हैं, बहुत अच्छा खासा लेंथ है इसका, तो ये भी बहुत प्यारा है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉटन है, ऐसे नहीं लगेगा, जिनको कि दुपट्टे ओढ़ने से इरिटेशन होता है या फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार ये दुपट्टा इतना हेवी होता है कि हम उसको कैरी नहीं कर पाते, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना है, आप बहुत बिंदास बेफिक्र होकर इसको यूज कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम से ना मुझे कुर्ता सेट पहनना बहुत पसंद आ रहा है, और ये खास करके ये कॉटन वाले जो सेट हैं वो बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं जनरली अभी वही मंगा रही हूँ। तो इसलिए मैंने अभी फिर से जो दो प्रोडक्ट मंगाए हैं सेम कुर्ता सेट ही मंगाया है। तो अभी फटाफट से देखते हैं सेकंड प्रोडक्ट। ये मैंने बाय द वे मैंने ये इसको मीशो से मंगवाया था, मैं मीशो पे चेक कर रही थी तो ये कलर अभी अवेलेबल नहीं है उस पर, तो मैं इसमें पिंक कलर है, तो मैं वो उसका लिंक और उसका कोड आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप उसको चेकआउट कर लेना एक बारी। और अब हम चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। तो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है जो कि है ये कुर्ता, ये भी बहुत प्यारा सा है, इस पर भी यहाँ थोड़ा लेसिंग की गई है, गोटा पट्टी का ही वर्क है, और हाथ पे भी सबके ही स्लीव 3/4 है, इसका भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी सेम है, बहुत सिंपल बट बहुत क्यूट है। मैंने जब भी इसको पहना है सबने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है कि ये कुर्ता सेट कहाँ से लिया, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो ये भी बहुत अच्छा है और ये सारे ही स्ट्रेट फिट में हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसका जो ब्रांड है ये है हीज एंड हर, जिसमें मेरा साइज XL है। एक्चुअली L भी मुझे परफेक्ट आता, बट मैं थोड़ा लूज़ पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे कॉटन के सूट्स ना थोड़े लूज़ पहनना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जनरली मैं कपड़े, कोई भी कपड़े थोड़े लूज़ पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे बॉडी हगिंग क्लोथ नहीं पसंद, तो इस वजह से। बाकी फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। इसका पैजामा वो भी प्योर कॉटन का है, और सबसे बड़ी बात कि इसके साथ आपको पॉकेट मिल जाते हैं, तो आपको बेफिक्र है। आप मोबाइल के लिए, आप कोई भी छोटे मोटे सामान को कैरी करने में घबराएंगे नहीं, आराम से आप कंफर्टेबली इसमें रख सकते हैं। क्योंकि जब हम कुर्ते वगैरह पहनते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ रखें छोटे मोटे सामान, कई बड़ी हैंकी या फिर छोटे वॉलेट, तो आप इसमें इजीली रख सकते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आता है जिस भी चीज़ में पॉकेट होते हैं ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए अगर आप भी पॉकेट फैन है तो आपके लिए ये कुर्ता परफेक्ट है। तो इसमें पीछे से इलास्टिक दी गई है और आगे से बैंड दिया गया है, तो वैसा कोई इशू नहीं है फिटिंग की, बहुत परफेक्ट है। ये किसी भी बॉडी के ऊपर अच्छे से फिट आएगा। इसमें भी सेम है, आपको कोई भी बैठने उठने में कोई अनकंफर्टेबल नहीं होती। मुझे तो, मैंने तो इसको पहन के एक वीडियो, इसको भी पहन के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। इससे पहले मैंने आजियो फुटवेयर का हॉल वीडियो बनाया था, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये कुर्ता कैसा लग रहा है। तो मुझे कोई बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। और इसके साथ भी कॉटन का बहुत प्यारा सा दुपट्टा मिला हुआ है। एक्चुअली ना प्रिंट दोनों के सेम ही है, ये देखिए, ये कोइंसिडेंट है, दोनों के प्रिंट सेम है, बट दोनों ही कलर इतने प्यारे हैं। सारे दुपट्टे बहुत प्यारे हैं, एक्चुअली सारा सूट ही बहुत प्यारा है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इन सब प्रोडक्ट में से आपका फेवरेट कौन सा है प्लीज़। अब मैं चलती हूँ अपने थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर। तो मेरा थर्ड प्रोडक्ट है ये बिल्कुल न्यू है, अभी तक मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया है। इसका ब्रांड है खजुराहो, जी हाँ ये है इसका ब्रांड। इसमें भी मेरा साइज XL है और ये मैंने अजियो से मंगवाया हुआ है। इसके साथ भी मुझे सेट मिले हुए हैं, सारे ही सेट हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार। तो ये कुर्ता बहुत ही प्यारा पिंक कलर का कुर्ता है। इसके यहाँ पे ना गले पे बहुत अच्छे से मोती का वर्क किया गया है, और इसके बटन में भी थोड़े थोड़े थ्रेड वर्क हैं। ये बहुत प्रीटी लग रहा है, बहुत प्रीटी लग, जब मैंने इसको ट्राई किया था बहुत प्रीटी लग रहा था। ये भी 3/4 के साथ है और यहाँ पे लेसिंग की हुई है जो कि काफ़ी यूनिक लग रहा है। ये भी स्ट्रेट फिटिंग के साथ है और नीचे भी सेम लेसिंग की हुई है। और इसका पैजामा वो भी बहुत प्यारा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट में है, यहाँ पे भी सेम कॉन्ट्रास्ट की हुई है, और पीछे इलास्टिक है, आगे से बैंड है, तो फिटिंग की इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके दुपट्टे में भी लेस की हुई है बट वो थोड़ा डिफरेंट है, तो ये भी काफ़ी यूनिक लग रहा है। और यहाँ पे थोड़े थोड़े ग्लिटर वाले वर्क किए हुए हैं, बट ये निकल नहीं रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे घिस के देखा था या फिर इस पर थोड़ा पानी डाल के देखा था, बट ऐसा निकल नहीं रहा है। अब बात का नहीं पता, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि ये निकलेगा। तो फिलहाल तो ये इसको काफ़ी कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये इसके साथ पिंक के साथ गोल्डन, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। अब देखते हैं हमारा फोर्थ प्रोडक्ट और लास्ट प्रोडक्ट, जो कि है ये ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा सा। ये मैं सबसे लास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया है। इसको आप एज ए पार्टी वेयर भी पहन सकते हो, आप देखोगे तो खुद ही कहोगे कि हाँ आप इसको एज ए पार्टी वेयर बिल्कुल पहन सकते हो। इसके जो गले पे है इतना प्यारा वर्क किया हुआ है, बिल्कुल गोल्डन कलर का लेसिंग की हुई है पूरे ही कुर्ते पे आगे में, ये देखिए जगह जगह पे, ये एक लाइन, दो, यहाँ पे, यहाँ पे, इन्होंने पूरे ही कुर्ते पे ना ये गोल्डन कलर का लेस डाला हुआ है। ये सामने से, आई डोंट नो कैमरे पे कैसा दिख रहा होगा, बट सामने से ये बहुत ही प्यारा दिखता है।
ये गले पे भी इन्होंने यहाँ पे भी मोती वर्क दिया हुआ है, बहुत प्यारा है। ये 3/4 स्लीव है और यहाँ पे भी लेसिंग की हुई है, बहुत चौड़ा सा पट्टी देके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी स्ट्रेट फिटिंग के साथ है। इसका जो पैजामा है वो इसके साथ कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, ये जो इन्होंने हाथ पे ये बॉर्डर दिया है ना उसको इसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया है। बहुत ही प्यारा पीस है, मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी। अगर आप किसी पार्टी के लिए भी सोच रहे हो ना तो आप इसके लिए डेफिनेटली चाह सकते हो, किसी की मेहंदी वगैरह में भी आप इसको अच्छे से पहन सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल ही पार्टी वेयर लुक दे रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका नीचे में जो है ना ये इतना ब्रॉड सा बॉर्डर दिया हुआ है, साइड कट के साथ आ रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है, यूनिक लुक दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ अब इसके दुपट्टे की तो दुपट्टे में थोड़ा और इसको पार्टी वेयर लुक देने के लिए इन्होंने ये पॉम पॉम लगाया है जो कि और भी इसमें चार चांद लगा दिया है। तो अब तो आप इसको डेफिनेटली पार्टी वेयर कहोगे ही कहोगे। तो ये है प्योर कॉटन के साथ है, कंफर्टेबल साथ ही साथ बहुत स्टाइलिश। तो ये थे मेरे चार प्रोडक्ट। आई होप कि आपको मेरे सारे कलेक्शन अच्छे लगे होंगे। इस सब में से आपका कौन सा फेवरेट है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस गाइज आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मैं मिलूँगी आपसे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि मैं और किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ और आप लोग किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।